हम सारा दिन यकीन जानिए, ये मैं आपको पहाड़ की गार और गार के ऊपर पत्थर, इससे बड़ी मुश्किलात कोई ना होंगे, इससे बड़ी भी मुश्किलात से बचने के लिए आज मैं आपको जो वजीफा दे रहा हूँ वो ये वजीफा है, खुद वजीफा है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये खुद वजीफा है। क्या कि मौका था माल की खयानत करने का, जान की खयानत करने का, नजरों की, कानों की, जबान की, जज्बात की खयानत, चाहतों की खयानत, मौका था पर मौला तू सामने आ गया। अल्लाह मुझे कोई नहीं देख रहा था, अचानक ख्याल आया कोई देख रहा, कोई देख रहा, मौला ये मेरे पास सरमाया यही है, रोज सरमाया बनाए रोजाना, ये सरमाया बना के रोजाना अपने लॉकर में रखते चले जाए, और आपको कोई मुसीबत हो, वो महंगाई की मुसीबत हो, कोई मुसीबत हो, बच्चा बीमार हो गया है, कोई मुसीबत हो, अम्मा बीमार हो गई है, कोई मुसीबत हो, बीवी की डिलीवरी का मसला है, कोई मुसीबत हो, टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, परसों मुझे छींक आई, मेरी चुप पड़ गई, अब कमर से मुझे उठा ना जाए, अरे जी आना दुआने है, आना दुआने, क्योंकि हमें पता आने दुआने का है ना, इसलिए ये चीज अच्छी तरह समझ आती है। माल की जिंदगी ऐसी है कि पूछो क्या हाल है, करे बार आने तबीयत ठीक है। छींक आई, मैं उठ ना सकूं, तबीयत वैसे ही कुछ सफर के हाल की वजह से तबीयत बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूं, मैं दवाई खाऊं क्या करूं, तो मेरे पास एक लॉकर में चीज पड़ी हुई थी, मैंने कहा मौला तो करम फरमा, मैं चलूं, मैं तो चल ना सकूं, मैंने तो सीढ़ियां चढ़नी हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, तस्बीह खाने की सारी सीढ़ियां पांच मंजिलों की, छठी मंजिल पे ऊपर गया परिंदों का दाना, ऊपर से उतरा मैं नीचे टेक लगा के बैठा, फिर कलंदरा ने इस्लाम को मैंने खून किया, ना दाना था ना पानी था। देखो हमारे पास कुछ होना चाहिए, पहाड़ जैसा, मैंने कहा ना, फिर मैंने अपने लॉकर से वो कमर के दर्द का जो मैंने कहा ना चुप पड़ गई, एकदम झटका लगा, छींक आई और बस मैं बैठ गया वहीं, फिर लॉकर से मैंने एक नेकी निकाली और शुक्र है कैश हो गई। एक दुर्वेश थे, वो लोगों के खोटे सिक्के भी ले लेते थे, उन्होंने कहा हजरत आपको पहचान नहीं है, हम पहचान बता देते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह पहचान है, एक लॉजिक दलील लेके जाऊंगा कयामत के दिन, मौला मैं खोटे कबूल कर लेता था, मेरे खोटे तू कबूल कर ले, मैं खोटे कबूल कर लेता था, मेरे खोटे तू कबूल कर ले, मैं दलील लेने के लिए और दलील ले जाने के लिए ये खोटे लेता हूं, वरना मुझे पता ही ये खोटे हैं। अल्लाह जल्ला शानहु के पास लॉकर में मेरे पास है तो कुछ नहीं, एक आध ऐसे हाथ मारा, ऐसे हाथ मारते 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 ना बंदा जब खाली कंगाल हो जाए, फिर कहीं से कुछ चीज शायद निकल आए, वो एक चीज निकल आई तो सारा खाली था मामला लॉकर तो, और फिर अल्लाह से अर्ज किया मौला ठीक कर दे, और शुक्र है कैश हो गई, कबूल हो गई, और बाज़ औक़ात लॉकर से निकली चीज कैश नहीं होती, वक्त लग जाता है, उसके फिगर नहीं मिलते, नंबर नहीं मिलते, और मामला दरमियान में पेंडिंग होता है, फरिश्तों को फाइलों की नजरसानी पे लगा दिया जाता है, चेक करो नीयत को, इसको जज्बे को, हाँ ये उस वक्त कर रहा था, क्या जज्बा था, क्या नीयत थी, खोट था या सच्चाई थी, पर शुक्र है चेक नहीं हुआ, अल्लाह पाक जल्ला शानहु ने ऐसे कबूल किया, और मैं लेट गया, मैं लेट के उठा तो बहुत फर्क था, जिसे लफ्ज कहें बारह में फर्क था, अब चौदह आने हैं ऐसे दो ढाई दिनों में, हमारे पास कुछ होना चाहिए, ये मैंने आपको नकद अपना बताया, छींक आई और कमर गई, मोरे हिल गए हैं, तो हमारा हाल तो ये है,
जिसको कहते हैं ऊपर रब और नीचे तू, उसका हाल ये है। अब बताओ हाल देखो, जिसको कहते हैं ऊपर रब और नीचे तू, वो एक छींक की मार है।